आग अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के राम पूजन चौक के समीप कायनात आई हॉस्पिटल स्थित है, जहां पर सुबह से ही मरीजों की काफी भीड़ लग गई थी। दोपहर लगभग 2 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से अस्पताल परिसर में आग लग गई। आग लगते ही अस्पताल कर्मियों व मरीजों में अफरा तफरी मच गई, जिससे अस्पताल का एक कर्मचारी अरशद पुत्र असीम मोहम्मद एजाज अहमद आग में झुलस गया, जिसकी नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। अस्पताल संचालक डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया है, जिसमें करीब 5 से 6 लाख का सामान व उपकरण जलकर राख हो गया है। क्राइम ब्यूरो चीफ नूर मोहम्मद अतरोलिया आजमगढ़ की खास रिपोर्ट। लगी थी किस कारण से लगी थी? शॉर्ट सर्किट से मेरे यहाँ सुबह आग लग गई। अगल बगल वालों ने जो है मिल करके, सब लोगों ने मिल करके बुझा दिया। हमारे एक कर्मचारी को थोड़ा मोड़ा जो है वो हल्का फुल्का जला है, बहुत मतलब नॉमिनल, और बाकी सामान का नुकसान तो हुआ ही है 5-6 लाख रुपये का।